हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट क्या होंगे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो इनकम टैक्स के रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 में यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 में थे वही कंटिन्यू रहेंगे। यानी कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स पेयर के लिए ऑप्शन होगी कि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 115BAC के अंतर्गत टैक्स पे कर सकते हैं या फिर इनकम टैक्स शेड्यूल में जो रेट दिए गए हैं स्लैब रेट उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेक्शन 115BAC के अंतर्गत क्या टैक्स रेट दिए गए हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन दी गई है टैक्स पेयर को कि वो टैक्स पे कर सकते हैं यदि उनकी टोटल इनकम 2,50,000 तक है तो निल है, 2,50,000 1 रुपीज़ से लेके 5 लाख रुपीज़ तक 5% है, 5 लाख रुपीज़ से एक्सीडिंग लेकिन 7,50,000 रुपीज़ तक 10% है, 7,50,000 रुपीज़ से यदि इनकम एक्सीड कर जाती है लेकिन 10 लाख रुपीज़ तक है तो 15% है, और 10 लाख रुपीज़ से इनकम एक्सीड कर जाती है 12,50,000 तक 20%, और 12,50,000 से यदि इनकम एक्सीड कर जाती है 15 लाख तक 25%, और यदि 15 लाख रुपीज़ से इनकम एक्सीड हो जाती है तो 30% है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में कुछ कंडीशन भी दी गई हैं जो कि फुलफ़िल करनी होती हैं, यानी कि नॉर्मली कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलती है यदि कोई व्यक्ति इस सेक्शन के अंतर्गत ये टैक्स रेट ऑप्ट करता है, या फिर फ्रेंड्स टैक्स पेयर फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट वन में जो टैक्स रेट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, यानी कि इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशनल पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए ये टैक्स रेट मेंशन किए गए हैं। यानी कि यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है एसोसिएशन पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो उस केस में वो 2,50,000 रुपीज़ तक नील टैक्स पे करता है, यदि इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर जाती है 5 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है, 5 लाख रुपीज़ से यदि इनकम एक्सीड कर जाती है 10 लाख रुपीज़ तक तो 20% टैक्स है, और यदि 10 लाख से एक्सीड कर जाती है तो 30% है। फ्रेंड्स, इस केस में व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर सकता है, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 की डिडक्शंस, इसके अलावा सैलरी हेड के अंतर्गत 50,000 रुपीज़ की डिडक्शंस। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति इंडिविजुअल है और वो इंडिया का रेजिडेंट है और जिसकी के एज 60 इयर्स या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 इयर्स से कम है तो उस केस में उसके स्लैब रेट इस प्रकार है, यानी कि 3 लाख रुपीज़ तक नील टैक्स है, 3 लाख रुपीज़ से यदि इनकम एक्सीड हो जाती है 5 लाख रुपीज़ तक 5% है, 5 लाख रुपीज़ से इनकम एक्सीड हो जाती है 10 लाख रुपीज़ तक 20% है, 10 लाख रुपीज़ से यदि इनकम एक्सीड हो जाती है तो 30% है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है उसकी एज 80 ईयर या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 5 लाख रुपीज़ तक नील टैक्स है, 5 लाख रुपीज़ से इनकम एक्सीड हो जाती है 10 लाख रुपीज़ तक 20%, और यदि 10 लाख रुपीज़ से इनकम एक्सीड हो जाती है तो 30% टैक्स रेट रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी पे करना होता है यदि उसकी इनकम स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यदि 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर रही है लेकिन 1 करोड़ रुपीज़ तक है तो 10% रेट है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की इनकम पे सरचार्ज के रेट 15% है, यदि 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 25%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक और एक्सीडिंग 10 करोड़ तक 37% सरचार्ज के रेट हैं जो कि इनकम टैक्स पे कैलकुलेट होते हैं। फ्रेंड्स, ये 25% और 35% सरचार्ज नहीं लगता बल्कि 15% ही सरचार्ज लगता है सेक्शन 111A, 112A, 115AD की इनकम के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मार्जिनल रिलीफ भी क्लेम किया जा सकता है यदि नेट इनकम 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड कर रही है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होता है जो कि इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों का टोटल करके लगाया जाता है जो कि 4% है। फ्रेंड्स, यदि इस केस में टैक्स पेयर रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है तो 87A की रिबेट भी ले सकता है जो कि मैक्सिमम 12,500 रुपीज़ या जो इनकम टैक्स है दोनों में से जो कम हो उसके अकॉर्डिंग मिलती है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति लोअर रेट से टैक्स पे करता है यानी कि फर्स्ट स्कीम जो हमने डिस्कस की है
तो उस केस में वो कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स ये हमने जो प्रपोजल डिस्कस किया है वो फाइनेंस बिल 2021 के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।